दोस्तों, स्वागत है आपका IPL 2020 से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, IPL 2020 को लेकर सभी टीमें अपनी प्रिपरेशन में जो है वो लग चुकी है और लगातार हर एक टीम को लेकर बड़ी बड़ी अपडेट्स जो है वो आ रही है। यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं तीन टीमों के बारे में जिनको लेकर बड़ी खबरें जो है वो आ रही है, बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो दोस्तों तीनों टीमों की हम बात करेंगे, पूरी डिटेल आपको देंगे। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, आप किसे सपोर्ट करने वाले IPL 2020 में, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। दोस्तों यहां पर सबसे पहली खबर है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को लेकर। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने IPL 2020 के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ा फैसला जो है वो ले लिया है, जहां पर अपने ऑलराउंडर शिवम दुबे को रिटेन करने का फैसला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने ले लिया है। लास्ट ईयर दोस्तों 5 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा था, जहां पर सिर्फ 4 मैचेस खेले, इन्होंने सिर्फ 40 रन बनाए। ऐसे में लग रहा था कि रिलीज होने वाले हैं, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कंफर्म कर दिया है कि शिवम दुबे IPL 2020 में भी RCB का ही हिस्सा होंगे। उन्हें रिटेन करने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। अब दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के इस निर्णय से आप कितने खुश हैं, कि आपको भी लगता है उन्हें रिटेन करना चाहिए था, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। बात करें दोस्तों दूसरी टीम की, तो दूसरी टीम है यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स को यहां पर IPL 2020 के ऑक्शन से पहले एक बड़ा फैसला लेना है कॉलिन मनरो को लेकर। दोस्तों पहले यहां पर कॉलिन मनरो का रिलीज होना लगभग कंफर्म था, लेकिन रिसेंटली इंग्लैंड के खिलाफ एक T20 मैच में 57 गेंदों में 107 रनों की पारी जो है न्यूजीलैंड 11 के लिए खेली है कॉलिन मनरो ने, जिसके बाद यहां पर दिल्ली कैपिटल्स को अब सोचना होगा कि उनको रिलीज करना है या फिर नहीं। इस अच्छे परफॉर्मेंस के बाद, धाकड़ इनिंग के बाद, हो सकता है कि दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है उनको रिलीज करने का निर्णय जो है अपना बदल ले और उन्हें रिटेन कर ले। आपको क्या लगता है दोस्तों, कॉलिन मनरो को इस इनिंग के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम रिलीज करेगी, आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दे। और दोस्तों तीसरी खबर है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को लेकर। दोस्तों हमने आपको कल बताया था कि हैदराबाद की टीम को एक बड़ा झटका लग सकता है, शाकिब अल हसन बाहर हो सकते हैं, और यहां पर कंफर्म न्यूज भी आ चुकी है और साकिब अल हसन IPL 2020 से बाहर हो चुके हैं। अब दोस्तों सीधा साकिब अल हसन की जो वापसी है वो होगी अक्टूबर 2020 में। ऐसे में IPL 2020 में हमें साकिब अल हसन खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। अब दोस्तों साकिब अल हसन के जाने से कितना फर्क पड़ेगा सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को, ये एक देखने वाली बात होगी। और क्या सनराइजर्स हैदराबाद की टीम उन्हें रिटेन करेगी या फिर रिलीज कर देगी, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। तो दोस्तों इन तीन टीमों के लिए बड़ी अपडेट जो है वो आ रही थी, जहां पर हमने बात करी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।